धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। 2024 के इस विधानसभा इलेक्शन के अंदर डेरा मैनेजमेंट यानी के गुरु संगत की गद्दार कमेटी, पूज्य हजूर पिताजी के वो वचन जो सतगुरु ने कभी किए ही नहीं, उन वचनों का हवाला देकर संगत को डराकर उनके वोट बीजेपी को दिलवाने के लिए मजबूर कर रही है। तो उन सभी परिस्थितियों को एक कविता के माध्यम से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जरा गौर फरमाइए जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। के वोटें आई गुरु की गद्दार कमेटी ने खुशी मनाई। भिखारी 85 मेंबर बोले, अब हम संगत को मूर्ख बनाएंगे, उनकी बोली लगाएंगे, मोटे नोट कमाएंगे और पूरी ऐश उड़ाएंगे। उन्होंने पहला गप सुनाया, बोले सुनारिया से है पत्र आया, बीजेपी को वोट डालना चौथा ये परहेज बताया। अरे बीजेपी को वोट डालना चौथा ये परहेज बताया, न माने जो हुक्म हमारा उसके कटोरा हाथ पकड़ाएंगे, हम संगत को मूर्ख बनाएंगे, उनकी बोली लगाएंगे, मोटे नोट कमाएंगे और पूरी ऐश उड़ाएंगे। दूसरा गप फेंक कर बोले, अब तो परमानेंट ही लाएंगे, अब नहीं होगा वापस जाना, क्योंकि हम जजों को भी पटाएंगे। लेकिन दबाया ना जिसने बटन कमल का, वो सब नरकों में जाएंगे, संगत को हम मूर्ख बनाएंगे, उनकी बोली लगाएंगे, पूरे नोट कमाएंगे और पूरी ऐश उड़ाएंगे। फिर संगत को वो डराकर बोले एकता हमें दिखानी है, रोग लगेंगे उसको भारी, करेगा जो मनमानी है, वोट डालकर बीजेपी को सब नौबर नौ हो जाएंगे, हम संगत को मूर्ख बनाएंगे, उनकी बोली लगाएंगे, मोटे नोट कमाएंगे और पूरी ऐश उड़ाएंगे। चौथी बार तो उन्होंने हद ही कर दी, बोले मोदी को बाप बनाना है। अंधभक्त संगत को कहा था जिसने, उसी खट्टर को ही जिताना है। जो गुरु पे केस डाले और संगत मारे, माला उसी के गले में पहनाएंगे, हम संगत को मूर्ख बनाएंगे, उनकी बोली लगाएंगे, मोटे नोट कमाएंगे और पूरी ऐश उड़ाएंगे। बोले असली नकली से हमें क्या लेना, हमारा तो पैसा ही भगवान है, दीदी हमारी, जज वकील हमारे, ऊपर से जेलर भी मेहरबान है, असली सतगुरु का नोट वोट से नहीं कोई वास्ता, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, हम तो संगत को मूर्ख बनाएंगे, उनकी बोली लगाएंगे, मोटे नोट कमाएंगे और पूरी ऐश उड़ाएंगे। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।